नमस्कार दोस्तों, कुमारी स्टडी सर्किल बिलासपुर में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक, छत्तीसगढ़ के एक नया टॉपिक निबंध पर चलेंगे। सीजीपीएससी मेंस आपके सामने दो दो मेंस है, जो अभी का मेंस है जो मार्च में होने वाला और जो अगला मेंस है जो जून में होने वाला, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है सीजी मेंस, जिसमें विशेष करके आप लोगों को नहीं मिल पाते छत्तीसगढ़ से संबंधित जो निबंध आप लोग मेरे से मांग करते हो वो आपको नहीं मिल पाते। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हर्बल स्टेट छत्तीसगढ़ संभावनाएं एवं चुनौतियाँ, उस पर आपका निबंध लेके आया हूँ। आशा करता हूँ आपको लिए बहुत पसंद आएगा आपको ये निबंध। कैसे लिखना है, किस प्रकार लिखना है, ये थोड़ा सा बताते चला जा रहा हूं। तो सबसे पहले भूमिका बांधना है, हमें जैसे बांधा हूं वैसे ही आपको भूमिका बांधना है। चलिए देखते हैं। प्रदेश जैव विविधता से परिपूर्ण क्षेत्र है। यहां के वनों में पाई जाने वाली विविध वनस्पति देश में महत्वपूर्ण जैव संपदा है, जो न केवल पारिस्थितिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है अपितु इनके औषधि गुण चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। राज्य की बृहत जैव विविधता के दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ को वनौषधि राज्य हर्बल स्टेट 2001 में घोषित किया गया। राज्य गठन उपरांत वन संसाधनों के संरक्षण, विनाश विहीन विदोहन एवं वनौषधियों के उत्पादन में व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। वनौषधियों में राज्य के जन सामान्य के स्वास्थ्य एवं आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन संकल्पित है। ये आपका भूमिका होगा। यदि भी 750 में लिखना होता है फिर भी हम लोग थोड़ा ज़्यादा लेके चले ताकि वहाँ पर लिखते हमको बन जाए, इसी दृष्टिकोण से मैंने इस निबंध को बनाया है। आगे हम लोग को लिखना है राज्य के वनौषधि के विस्तार कहाँ कहाँ तक है। तो राज्य के वनौषधि के विस्तार राज्य में 44% भूभाग में वनाच्छादित है। वनांचल में रहने वाली जनजातियों द्वारा वनों से विभिन्न रोगों को उपचार हेतु अनेकों जड़ी बूटियों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें 327 जड़ी बूटियों का प्रयोग बहुलता से होता है। ये वनौषधि बिना किसी कृषि तकनीक के स्वयं उत्पन्न होती है, जिसका उपयोग जन सामान्य द्वारा औषधि के रूप में किया जाता है। प्रदेश के जंगलों में औषधि महत्व के लिए पहचान की गई 1525 वैरायटियों में 808 वैरायटी जड़ी बूटियों की है, 262 झाइयां या श्रब्स, 294 पेड़ और 161 बेल प्रकृति के पौधे हैं। इन पौधों में से सर्वाधिक 1129 जंगलों में पाए जाने वाले पौधे हैं। 174 पौधों की खेती हो सकती है। राज्य में प्राप्त मुख्य वनौषधि के बारे में बात करें तो राज्य में निम्न बहुमूल्य वनौषधियां पाई जाती है, जिसमें मुख्य है बच, सर्पगंधा, सफेद मसूली, सनहाई, कसिया, अश्वगंधा, पुदीना, मेंथा, घृत कुमारी, पचौली, नींबू घास, पसन भेदा, तुलसी, रोसाद घास, कौंच, मुस्कदाना, आंवला, शहद, बाइबिडिंग, बेल, कालीजीरा, धवई, सतावार, कालमेघ, नागरमोथा, बेहड़ा, माल कांगनी, भेलवा, मोरौड़ फल आदि आदि। ये आप में से जितना आपको याद हो सके आप याद कीजिए, वहाँ पर लिखने का प्रयास होगा। हर्बल स्टेट बनाने में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास को हम देखते हैं। हर्बल स्टेट तो घोषित कर दिया, लेकिन राज्य सरकार ने प्रयास क्या क्या किया। तो राज्य सरकार को 2004 के दौरान औषधि पौधे के संरक्षण, संवर्धन, विनाश विहीन विदोहन, प्रसंस्करण एवं विनिर्माण तथा विपणन से संबंधित नीति बनाने एवं विभिन्न संस्थाओं के बीच समन्वय के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ राज्य वनौषधि बोर्ड की स्थापना की गई है। वनौषधि के क्रय विक्रय हेतु धमतरी वन मंडल के अंतर्गत हर्बल मंडी की स्थापना की गई है। प्रदेश में वनों से प्राप्त जड़ी बूटियों से उपचार के लिए प्रदेश में 10 स्थानों पर वन औषधालय खोलने का निर्णय लिया गया है। वन औषधियों की खेती को प्रोत्साहन करने की नीति का अवलंबन करने की घोषणा की गई है। हर्बल वन मंडलों द्वारा गठन मरवाही, बिलासपुर, धर्मजयगढ़, कोरिया, धमतरी, भानुप्रतापपुर, जगदलपुर, दुर्ग, सरगुजा आदि जगह में किया गया है। राष्ट्रीय मिशन के तहत प्रदेश बिलासपुर, कांकेर, कोरबा, राजनांदगांव, रायगढ़, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, रायपुर, धर्मजयगढ़, कोरिया, कड़ा, मरवाही, दक्षिणी सरगुजा, धमतरी, बस्तर, दक्षिण कोंडागांव, कवर्धा, खैरागढ़ और पूर्व रायपुर में वन मंडल में 29 रोपणियां लगाई गई हैं। अब देख लेते हैं हर्बल स्टेट बनाने से लाभ क्या होगा हमारे छत्तीसगढ़ को। तो पहला है, आयुर्वेद के अनुसार प्रत्येक जड़ी बूटी में आयुर्वेदिक गुण मौजूद है, जिसका प्रयोग पारंपरिक चिकित्सा हेतु घरेलू उपचार में किया जा सकता है।
औषधि वृक्ष लगाकर ग्रामवासी न केवल अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं बल्कि हर्बल उपचार के द्वारा खुद को भी स्वस्थ रख सकते हैं। ग्रामीण युवकों को रोजगार प्राप्त हो सकता है। आयुर्वेद को बढ़ावा देकर महंगी एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति से बचा जा सकता है और हर्बल स्टेट के रूप में छत्तीसगढ़ को एक अलग पहचान मिल सकती है। बहुत सारे लाभ है जनाब इसमें। आप देखोगे हर्बल स्टेट बनाने में और हर्बल चीज का प्रयोग करने में, औषधि प्रयोग करने में। आपने देखा होगा कोरोना काल में हमारा काढ़ा बहुत काम आया। बहुत लोग तो बिना दवाई के काढ़ा पी के ही हम लोग स्वस्थ हो गए हैं इतनी बड़ी बीमारी से। समस्याएं की बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट का दर्जा मिला हुआ है। यहाँ औषधि महत्व की जड़ी बूटियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 630 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। यह राशि चरणबद्ध रूप से दी जानी है, लेकिन पिछले 3 सालों से राज्य औषधि बोर्ड के अफसर केंद्र से मांगी जा रही रिपोर्ट नहीं भेज पा रहे हैं। इसके चलते यहाँ औषधि महत्व के पौधे को उत्पादन ठहर गया है। बोर्ड के अफसर और पदाधिकारी ने इसमें रुचि लेना बंद कर दिया गया। यही समस्या है कि हमको जो वो हो रहा है सेंक्शन हो रहा पैसा वो खपी नहीं हो रहा, लगाया नहीं जा रहा। यहाँ के अफसर जो है रुचि नहीं ले रहे हैं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। सरकार के सही मार्गदर्शन न मिल पाने के कारण किसान भी इस खेती में रुचि नहीं दिखा रहा है। तो ये सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट है, माल कहाँ पर बेचेंगे, किस प्रकार का माल बेचा जाए, कहाँ पर खपत होगा, और यहाँ पर जागरूकता का बहुत ज़्यादा अभाव होता चला जा रहा है। सुझाव की बात कर लिया जाए तो सरकार को चाहिए केवल कागजी खानापूर्ति न करे बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना चाहिए। हर्बल खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जगह जगह कैंप लगाकर लोगों को जागरूक किया जाए एवं बेरोजगारों को इसकी खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाए। माल खरीदने एवं बेचने की जगह चिन्हांकित हो ताकि लोग आसानी से अपना माल बेच सके और आयुर्वेद को बढ़ावा एवं प्रचार प्रसार हो। ये बहुत सारे सुझाव जो आप लिख सकते हैं। छोटा सा आपको एक निष्कर्ष देना चाहिए, मेरा यहाँ पर निष्कर्ष जो होगा आप अपना भी लिख सकते हो। हर्बल स्टेट के लिए राज्य में काफ़ी संभावनाएं हैं। वनौषधि में कृषकों के अतिरिक्त आय, बेरोजगारों को रोजगार, जनजाति वर्गों को उनकी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को महत्व मिल सकता है, लोगों को प्राकृतिक सस्ता जिसमें कोई साइड इफेक्ट हो इलाज मिल सकता है। छत्तीसगढ़ में इसके लिए अपार संभावना है, जरूरत है दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की। ये चीजें आप निष्कर्ष में आप लिख सकते हो। इस प्रकार एक सुंदर सा निबंध आपका तैयार होता है। आशा करता हूँ ये निबंध भी आपको पसंद आया होगा और आपकी मांग के अनुसार मैं पूर्ति करने की यहाँ पर कोशिश करूँगा। आप लोग मेरा वीडियो देखते हो, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।